खरगोन जिला मुख्यालय पर देवी श्री अहिल्या माता होलकर की पुण्यतिथि पर नगर में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। इस अवसर पर प्रदेश की संस्कृति चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, महाराष्ट्र के विधायक अनिल अन्ना गोटे उपस्थित थे। सुबह 9 बजे बस स्टैंड पर माँ अहिल्या की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा पूजा की गई, जिसके साथ ही माता अहिल्या की पालकी को सांसद पटेल और प्रदेश मंत्री डॉक्टर साधो ने अपने कंधे पर उठाकर कार्यक्रम स्थल की ओर ले गए। अतिथियों ने अहिल्या माता की राजगादी पर माता श्री की पूजा आरती की। वहीं मुख्य कार्यक्रम अहिल्या परिसर के नजरबाग अखाड़े में आयोजित किया गया, जहां धार्मिक और भाषा के क्षेत्र में योगदान देने वाले संत श्री गीता देवी और पूर्व विख्याता सुश्री फरीदा मोदी को अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि गोटे ने अहिल्या उत्सव को भव्य स्वरूप में मनाने और प्रदेश सरकार से गजेटेड कार्यक्रम बनाने की योजना निर्मित करने का आग्रह प्रदेश मंत्री डॉक्टर साधो से किया। वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त सहयोग से महेश्वर को पर्यटन के क्षेत्र में प्रयास किए जाने की बात कही। प्रदेश मंत्री डॉक्टर साधो ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महिलाओं ने देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है। माता अहिल्या जैसी देवी ने आदर्श राजकाज करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन